मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। यह कहना है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। आज दिल्ली एआईसीसी में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी यह मंशा भी जाहिर कर दी कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो वे ही फिर से सीएम बनेंगे। इसके साथ ही मीडिया के सवालों का उन्होंने बड़े रोचक अंदाज में जवाब दिया और पीएम मोदी पर भी इस दौरान में जमकर बरसे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली एआईसीसी में कांग्रेस के टिकटों पर मंथन जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एआईसीसी कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों ने गहलोत से कई रोचक सवाल किए। प्रेस वार्ता के दौरान एक महिला पत्रकार ने पूछा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो क्या वे चौथी बार घोड़ी चढ़ेंगे, यानी क्या सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे बैठेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए मुख्यमंत्री के मुंह से यह भी निकल गया कि मुख्यमंत्री का पद मुझे छोड़ेगा भी नहीं। हालांकि कुछ देर बाद वो अपनी बात को संभालते हुए सफाई देते दिखे कि उनका मतलब गांधी परिवार के भरोसे से था, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री इतिहास में कभी किसी ने कहा? क्या मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और साथ छोड़ेगा भी नहीं। कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है। जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए गहलोत ने यहाँ केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला किया। गहलोत ने कहा कि देश में इन दिनों सरकारी एजेंसियां जनता से अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रही और केंद्र की कठपुतली बनकर रह गई है। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के संजीवनी घोटाले में लिप्त रहे हैं। राजस्थान एसओजी ने पाया कि उनका विदेशी ट्रांजेक्शन भी हुआ है। इसको लेकर एफआईयू में कई बार फोन किया गया, लिखकर भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गहलोत ने कहा कि ईडी या दूसरी संबंधित एजेंसियों ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। गहलोत ने कहा कि आम जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों पर बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र कायम रह सकेगा। जुडिशी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोडो कानून लागू हो गया है तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेट डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुँचवा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। सब जगह महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे बल्कि आगे और बढ़े। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। अब हमारे राजस्थान में संजीवनी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा राजस्थान होगा, दो जेल में बैठे हुए हैं। गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री, वो उसमें शामिल है, आरोपी है। उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेंस केस कर रखा है दिल्ली, वो अलग बात है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी एसओजी ने एफआईयू जो होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यूनिट, उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है इसका। कोई कार्रवाई नहीं करी, एक बार जवाब दिया रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहाँ ईडी नहीं घुस रही है। जनता का विश्वास एजेंसी बना रहे ये मेरी
चिंता ये है, इसलिए मैं सभा से क्यों बोल रहा हूँ। आम जनता का विश्वास इन एजेंसी बना रहना चाहिए, आम जनता का विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर, ये मेरा मानना है। गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में वे एनसीपी के नेता अजीत पवार पर भी बोले थे और साथ ही 75 से 80 हजार करोड़ के घोटाले के चार्ज भी उन पर लगाए थे, लेकिन दो दिन बाद ही एनसीपी का एक धड़ा भाजपा से मिल गया और जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उनको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का उपहार दिया गया। गहलोत ने कहा कि इसके क्या मायने हैं कि बीजेपी ज्वाइन करो और आप पर कितने भी आरोप हो वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। मोदी जी तो एक एग्जाम्पल है क्लासिकल, देश के अंदर जो बोलते हैं वो तो देश सुनता हूँ। प्रधानमंत्री देश के हैं, अच्छा बोलते हैं, बोलने की कला जानते हैं, तो मैंने सुना भोपाल के अंदर जाकर मध्य में बोले थे वो एनसीपी को लेकर के, अजीत पवार को लेकर के बोले थे, 70-80 हजार करोड़ के कर्जे पता नहीं करप्शन के चार्ज लगा दिए उनके ऊपर। दो दिन बाद ही एनसीपी के एक धड़ा मिल जाता है सरकार के अंदर। और क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा आपको, अजीत पवार के नाम के जो नेता हैं जिनके सबसे ज्यादा चार्ज वहाँ पर थे, उनको वो पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, पोर्टफोलियो उनका नाम होता है विद फाइनेंस पोर्टफोलियो। आप सोच सकते हैं फाइनेंस पोर्टफोलियो देने के क्या मायने उनको, क्योंकि आप आरोप लगाए थे। इसकी इतने इतने एग्जाम्पल आपके बारे में मेरे ज़्यादा होंगे कि आरोप लगते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी को तो आप वॉशिंग मशीन से बिल्कुल बिल्कुल धुल जाते हैं। आप पूरे देश के अंदर हो रहा है, तो ये जो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मोदी मुझ पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। गहलोत ने कहा कि मैं उनसे भी ज्यादा फकीर हूँ, आज तक कोई जमीन नहीं खरीदी, ना ही एक ग्राम सोना खरीदा है। अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। मैं कहना चाहूँगा वो फकीर बनता, मैं उससे बड़ा फकीर हूँ। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा। देश में 5 राज्यों के चुनावों से ठीक पहले सीएम गहलोत ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर यह भी बताने का प्रयास किया कि वे नेशनल लीडरशिप में तो हैं, लेकिन राजस्थान की सीएम की कुर्सी भी उन्हीं की है। पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरना, चुनावों में जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े करना और अपनी बातों को मीडिया के सामने रखना भी गहलोत की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा कहा जा सकता है। जनता दरबार के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट।